जादुई राक्षस रोबोट वर्सेस जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट। जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट के मरम्मत का काम चल रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने शहर को बड़े से बड़े खतरों से कई बार बचाया था, इसलिए अब उसे थोड़े आराम और मरम्मत की बेहद जरूरत थी। उसकी ठीक से जांच और मरम्मत करके उसे उसके कैबिन में बंद करके रखा गया ताकि उसको कुछ दिन आराम मिल सके। जैसे ही उसे वहां बंद करके लोग वहां से जाने लगे, अचानक वहां पर किसी ने हमला बोल दिया। अरे यह अचानक क्या हो रहा है? इतनी अफरा तफरी क्यों मची है? भयानक रोबोट ने हम पर हमला कर दिया है। हमारे आधे से ज्यादा लोग मारे गए हैं। रोबोट एक भयानक राक्षस की तरह दिख रहा है। तुम यही रहो और जरूरत पड़ने पर जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट को एक्टिवेट कर देना। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। बाहर अब गिने चुने ही लोग जिंदा बचे थे जो उस जादुई राक्षस रोबोट को मारने की, उसे हराने की नाकाम कोशिश में जुट गए थे। पहले आदमी ने बाहर का नजारा देखते ही अंदर खड़े आदमी को इशारा कर दिया और उस आदमी ने बिना वक्त जाया किए जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट को एक्टिवेट कर दिया। कमान जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट, जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो जाओ। ओ गॉड, इसे पूरी तरह से डीएक्टिवेट करने की वजह से इसे एक्टिवेट होने में टाइम लग रहा है। कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। यस यस, हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। जेसीबी रोबोट पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। मरम्मत के साथ साथ उसके पावर्स में भी बढ़ोतरी की गई थी। उस आदमी ने जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट को कमांड दिए और तुरंत उस जादुई राक्षस रोबोट को हराने के लिए उसे बाहर भेजा। अब दो विशाल और ताकतवर रोबोट आमने सामने खड़े थे। बचे कुचे दो चार लोग अपनी जान बचाकर एक जगह छुप गए और उन दो रोबोट्स का महायुद्ध अपनी आंखों से देखने जा रहे थे। सब लोग किसी सेफ जगह पर छुप जाओ, इन शक्तियों की वजह से कहीं हम फालतू में अपनी जान न गवा दे। दोनों रोबोट आपस में भिड़ गए। उनके आपस में टकराने की वजह से चारों ओर काफी तहस नहस मच गई थी। आसपास की बिल्डिंग्स, गाड़ियां, पेड़, हर उस चीज पर वो बड़ी बेरहमी से नुकसान कर रहे थे और अगर उन लोगों में से कोई भी बाहर खड़ा रहता तो उसकी मौत पक्की थी। जादुई राक्षस रोबोट ट्रैक्टर रोबोट पर आग के गोले बरसा रहा था तो दूसरी ओर जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट गोलों को बड़ी ही सफाई से कहीं और फेंक देता। लेकिन अचानक जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट ने एक बड़ी सी गाड़ी उठाकर राक्षस रोबोट पर दे मारी। राक्षस रोबोट कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस गाड़ी ने अपना काम कर दिया। वो जाकर राक्षस रोबोट से टकरा चुकी थी जिस वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया और वो पीछे जाकर गिर पड़ा। उस जेसीबी रोबोट ने बिना वक्त गवाए जादुई राक्षस रोबोट पर फिर से हमला कर दिया। यस, ट्रैक्टर रोबोट हमेशा हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है। काश उसे डीएक्टिवेट नहीं किया होता तो हमारे काफी सारे साथी जिंदा होते। अरे हाँ, पर राक्षस रोबोट खत्म ही हुआ समझो, लेकिन इसके पीछे कौन है इसका पता भी हमें लगाना होगा। अरे शांत रहो, कहीं उस जादुई राक्षस की नजर में हम आ गए तो वो हमारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। जादुई राक्षस रोबोट फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट पर पलटवार किया। अब वो आग के गोलों की बजाय उस पर लेजर बीम से अटैक कर रहा था। अटैक से जेसीबी रोबोट कई जगह से डैमेज हो गया, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सीने पर लगा एक बटन दबाया जिससे उसकी डैमेज हुई बॉडी फिर से पहले जैसी हो गई। वेल, इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं था। ये तो पहले से ही ज्यादा ताकतवर और एडवांस हो गया है। रोबोट का कारनामा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जादुई राक्षस रोबोट भी फिर से हमला कर पाता इससे पहले जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट ने सीधा उसके सर पर वार किया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पर वो जादुई राक्षस रोबोट को और कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसके बचे हुए बॉडी को भी उसने कुचल कर रख दिया और उसी वक्त जादुई राक्षस रोबोट का किस्सा ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैजिकल जेसीबी रोबोट आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट। जंगल से तबाही मचाते हुए एक राक्षस गांव में घुस आता है। राक्षस डरावनी आवाज निकालकर सबको डरा देता है। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। राक्षस अपनी भूख मिटाने के लिए गांव के पालतू जानवर खाकर वहां से वापस जंगल चला जाता है, जिस वजह से गांव में एक ही हाहाकार मच जाता है। तब सारे गांव वाले मिलकर सतीश के पास आते हैं। अरे सतीश, अब तू ही हम सबको इस राक्षस से बचा सकते हो। देखना उसने क्या हाल कर दिया है गांव का, और ऊपर से जानवरों को भी मारकर खा गया।
ठीक है, तुम सब चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके उस राक्षस को खत्म कर दूंगा। तब सतीश सारे गांव वालों को दिलासा देकर घर भेज देता है। दरअसल सतीश एक रोबोटिक इंजीनियर था, उसने पहले भी गांव वालों को रोबोट की मदद से बचाया था, इसलिए गांव वाले सतीश के पास आते हैं मदद मांगने के लिए। तब सतीश एक आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट बनाता है। वो उस आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट से जंगल में जाकर उस राक्षस से मुकाबला करता है, पर आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट की ताकत उस राक्षस से कम पड़ जाती है। तब सतीश अपने रोबोट को लेकर वापस अपने लैब में आता है और सोचता है, मेरा आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट तो उस राक्षस से कमजोर निकला। राक्षस से लड़ने के लिए और भी पावरफुल रोबोट की जरूरत है, लेकिन ऐसा पावरफुल रोबोट कहां से बनाऊं? तब सतीश अपने लैब में सोचते हुए बैठ जाता है। वो राक्षस हर रोज गांव में घुसकर तबाही मचाकर जानवरों को खाकर जंगल जाता है। उसका आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। गांव वाले सतीश से बहुत ही नाराज हो जाते हैं। उधर शहर में कुमार नाम के एक पागल साइंटिस्ट ने एक मैजिकल जेसीबी रोबोट बनाया था, पर वो रोबोट लोगों के भलाई के लिए नहीं था, वो भी शहर में तबाही मचा रहा था। लेकिन जब ये बात सतीश को पता चलती है, तब वो सोचता है, अरे ये पागल कुमार भी ना कोई गलती कर बैठता है हर वक्त, और उसकी गलती की सजा लोगों को भुगतनी पड़ती है। यहाँ वो राक्षस और उधर शहर में जेसीबी रोबोट, दोनों ने नाक में दम कर रखा है। सतीश उस मैजिकल जेसीबी रोबोट के बारे में सोचता रहता है, तब अचानक से उसके मन में एक आइडिया आता है। अरे वाह, ये हो सकता है, क्यों ना उस राक्षस और जेसीबी रोबोट को ही एक दूसरे से लड़वाया जाए। यस, इससे सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी, दोनों भी एक दूसरे से लड़के मारे जाएंगे और गांव वाले भी खुश हो जाएंगे। सतीश ऐसा सोचकर वो तुरंत शहर चला जाता है। वहां जाकर वो उस जेसीबी रोबोट के सामने आता है और उसे उकसाते हुए वो कहता है, अरे ये क्या मासूम लोगों पर अपनी ताकत दिखा रहे हो, अगर हिम्मत है तो मेरे गांव में आकर राक्षस से लड़कर दिखाओ। सतीश की यह बात सुनकर मैजिकल जेसीबी रोबोट गुस्से में आता है और वो सीधा सतीश के पीछे उसके गांव चला जाता है, जहां पर पहले से ही वो राक्षस तबाही मचा रहा था। तब मैजिकल जेसीबी रोबोट उस राक्षस के सामने आता है और उसे ललकारने लगता है। तब राक्षस रोबोट को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तब वहां सतीश अपने आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट के साथ आ जाता है। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये सारे के सारी मुसीबतें हमारे गांव में ही क्यों आ रही है, अरे सतीश रोको उन दोनों को। हाँ हाँ भैया, मैं भी तो यही चाहता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ और फिर देखना ये दोनों कैसे एक दूसरे से लड़कर खत्म कर देते हैं। शहर और गांव की मुसीबत एक साथ खत्म होने वाली है। राक्षस और रोबोट की लड़ाई जोरों से शुरू हो जाती है। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, पर लड़ाई करते करते वो दोनों भी थक जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए सतीश अपने आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट से उन दोनों पर हमला कर देता है। आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट राक्षस और मैजिकल जेसीबी रोबोट को देखते ही देखते हमला करके खत्म कर देता है। उन दोनों को मरा हुआ देख गांव वाले भी खुशी से नाचने लगते हैं। उधर कुमार को पुलिस पकड़ लेते हैं और उसे सजा देने के लिए जेल भेज देते हैं।